नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। रेलवे की रिजर्वेशन टिकट निकालने का झांसा देकर युवक ने उड़ा दिए यात्री के पैसे। बोरीवली पुलिस ने झांसेबाज युवक को किया गिरफ्तार। दोस्तों, यदि आप रेलवे में सफर करने हेतु लगने वाली रिजर्वेशन टिकट निकालने के लिए दलालों की मदद लेते हैं तो हो जाइए सावधान, दलाल उड़ा लेगा आपकी गाड़ी कमाई का पैसा। जी हाँ, आपने सही सुना। दरअसल मुंबई के उपनगर बोरीवली की रेलवे पुलिस ने ऐसे ही एक दलाल युवक को एक यात्री से रिजर्वेशन टिकट दिलाने के बहाने उसका पैसा लेकर भाग जाने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस आरोपी युवक के ऊपर अंधेरी, कुल्ला टर्मिनल्स और वसई में भी इसी तरह के मामले दर्ज है। मिली जानकारी के मुताबिक एक यात्री बोरीवली रिजर्वेशन सेंटर में रिजर्वेशन टिकट निकालने गया था, तभी वहां पर उसे एक युवक मिला जिसने उस यात्री से उसका रिजर्वेशन टिकट निकाल कर देने की बात कही। तब रिजर्वेशन फॉर्म भरने और लाइन में लगने की होने वाली दिक्कत के चलते यात्री ने उस युवक को 8,500 रुपये टिकट निकालने तो थमा दिए और अपने टिकट निकालने का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वह दलाल युवक उस यात्री को चकमा देकर वहां से भाग निकला। तब यात्री ने बोरीवली GRP थाना पहुंचकर रेलवे पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। बोरीवली GRP ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। तलाशी के दौरान रेलवे पुलिस को उस युवक के गार्ड कॉपर में होने की खबर मिलने पर पुलिस ने आरोपी को गार्ड कॉपर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी युवक के ऊपर पहले भी इसी तरह के कई मामले अलग अलग रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज है। रेलवे पुलिस ने यात्रियों से आह्वान करते हुए अपना टिकट निकालने के लिए केवल रेलवे स्टाफ से ही मदद लेने की बात कही। ब्यूरो रिपोर्ट, सैफ न्यूज लाइव। रेलवे स्टेशन के बाजू में जो बुकिंग ऑफिस है, उस बुकिंग ऑफिस के पास कुछ यात्रियों जो टिकट निकालने आते हैं, तो वो यात्रियों से एक पास से एक आरोपी ने टिकट निकाल के देता हूँ ये बहाना करके उससे 8,500 रुपये ले लिए। और जब वो यात्री का ध्यान यहाँ वहाँ निकल गया, उसी दौरान वो आरोपी ने वहाँ से पोबारा करके भाग गया और उसके 8,500 रुपये जो चोरी करके निकल गया। उस मामला हमारे पुलिस स्टेशन में जैसे रिपोर्ट हुआ, हमारे यहाँ पर तुरंत मामला रजिस्टर किया और उसके बाद 8 दिन लगे जो हमारी टीम वो आरोपी को फॉलो कर रही थी। और वही आरोपी को कल रात 9:30 बजे घाटकोपर के एरिया से अरेस्ट किया गया है। और वही आरोपी के खिलाफ हमारे पास एक मामला रजिस्टर्ड है और उसके बाद हमारे रेलवे पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में और अंधेरी रेलवे स्टेशन, कुर्ला रेलवे स्टेशन, उसके बाद कुर्ला टर्मिनल्स, वसई रेलवे पुलिस स्टेशन, उनके यहाँ भी सेम ऑफेंस रजिस्टर्ड है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। सर, जिस तरह लोगों को फंसाया जाता है तो कुछ संदेश देना चाहते हैं ऐसे लोगों से बचना चाहिए? यस, जरूर। मैं यात्रियों को एक संदेश, मैसेज देना चाहता हूँ कि किसी अनजान लोगों से टिकट निकालते समय मदद ना ले। जो भी आपको टिकट निकालते समय प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट आप बुकिंग ऑफिस के जो स्टाफ है उनके पास से मदद लेना चाहिए। किसी अनजान लोगों से भरोसा मत करो या किसी के पास टिकट निकालने के लिए पैसा मत दो, नहीं तो आपके यहाँ पे चीटिंग हो सकती है। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।